नमस्कार दोस्तों, नोटिफिकेशन ऑफ एमपी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश पब्लिक हेल्थ सर्विस कॉरपोरेशन लिमिटेड, गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश पब्लिक हेल्थ सर्विस कॉरपोरेशन में ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी निकली है। तो इसमें किस प्रकार से पद संख्या है? कुल 5 पद है और ये फार्मेसी, जो फार्मेसी बैकअप से बैकग्राउंड से जो रिलेटेड अभ्यर्थी रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी आया है। और अन्य जो है उसमें भी ये लोग आवेदन कर सकते हैं। बीटेक, एमबीए, एमबीपीएस, बीफॉर्म, एमफॉर्म वगैरह जो रहेंगे वो भी इनके उनके लिए भी पद जो है इसमें निकले हुए हैं। तो इसमें किस प्रकार से अब पद निकले हैं हम लोग ये देख लेते हैं। जनरल मैनेजर का एक पद है। इसमें बीटेक, एमबीए, एमबीपीएस, एमफॉर्म या पीजी डीएम होना आवश्यक रहेगा। अनरिजर्व का एक पद है। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन ये रहेंगी डिप्लोमा और सर्टिफिकेशन इन पब्लिक प्रोक्योरमेंट, मटेरियल मैनेजमेंट या सप्लाई चेन मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट में अगर आपका सर्टिफिकेट कोर्स है तो आपको वरीयता दी जाएगी। डिजायरेबल है ये, मतलब योग्यता ये होंगी तो आपको अधिमान्यता दी जा सकती है। नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है। इसी प्रकार से 55 साल इसमें अधिकतम आयु सीमा मांगी गई है। यदि और इसमें आपको पर मंथ 71,717 रुपये, बहुत अच्छी वैकेंसी है और पूर्णतः कॉन्ट्रेक्चुअल है। ये किसी भी प्रकार से इसमें रेगुलर होने का आप लोग दावा नहीं कर पाएंगे। जनरल मैनेजर लॉजिस्टिक में किस प्रकार से रहेगा? जनरल मैनेजर लॉजिस्टिक में भी सेम क्वालिफिकेशन है, बीटेक, एमबीए, एमबीपीएस, एमफॉर्म या पीजीडीएम, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट। एक पद निकला है, एक अनरिजर्व का है। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन सेम जो मैंने आपको ऊपर बताई है। इसमें जो एसेंशियल एक्सपीरियंस है उसके बारे में मैं अपन ने बात नहीं करी थी ऊपर की तरफ, तो हम लोग ये देख लेते हैं कि 8 साल का अनुभव चाहिएगा और उसमें से 5 साल जो है पब्लिक हेल्थ में या पब्लिक सेक्टर में आपने काम किया हो, उसमें से 8 वर्ष में से 5 साल का एक्सपीरियंस आपका हेल्थ सेक्टर गुड्स में होना चाहिए। और इसी प्रकार से एक अनरिजर्व का पद है, 71,717 पूर्व की भांति वेतनमान या मानदेय रहेगा। 55 साल अधिकतम आयु सीमा मांगी गई है। और मैनेजर का पद एक और निकला हुआ है प्रोक्योरमेंट में। तो इसमें किस प्रकार से क्वालिफिकेशन है हम लोग देखते हैं। बीटेक, बी फॉर्म, पीजी डिग्री या ऑपरेशन मैनेजमेंट, इसमें पूरा आपको ये एमबीए, पीजीएम वगैरह पूरी क्वालिफिकेशन ये रहेंगी। और नंबर ऑफ सीट 1 है। एसटी का एक पद है, 18 से 45 वर्ष इसमें आयु सीमा का निर्धारण है। 67,300 रुपये दिए जाएंगे। और एक्सपीरियंस की बात करें तो 5 साल का अनुभव पोस्ट क्वालिफिकेशन होना चाहिए और जिसमें से 3 साल का अनुभव आपका हेल्थ सेक्टर रिलेटेड टू प्रोक्योरमेंट ऑफ ड्रग और इक्विपमेंट, मतलब ड्रग के बारे में भी 3 साल का स्टोरेज वगैरह या प्रोक्योरमेंट, उसमें बिडिंग वगैरह, टेंडर्स वगैरह निकलते हैं तो उसके बारे में भी आपको पूरा अनुभव होना चाहिए। बिल्स से रिलेटेड और टेंडर से रिलेटेड, यानी कि एक तरीके से स्टोर में आपका अनुभव होना चाहिए, कार्य अनुभव एम फॉर्म के साथ या बी फॉर्म के साथ में, बीटेक के साथ में। और एसटी का एक पद है दोस्तों, 18 से 45 वर्ष मांगी गई है आयु सीमा। अगर आपका पीजीडीएम, एमबीए हो मटेरियल मैनेजमेंट में या ऑपरेशन मैनेजमेंट में, आपका पास में डिप्लोमा या डिग्री हो, वो बीटेक, बी फॉर्म हो या पीजी डिग्री होना चाहिए प्रोक्योरमेंट, ऑपरेशन या मटेरियल मैनेजमेंट, सप्लाई मैनेजमेंट में, तो आप लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। मैनेजर लॉजिस्टिक का भी एक पद निकला है, अनरिजर्व का एक पद है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन सेम एज अबाउ, बीटेक, बी फॉर्म, पीजी डिग्री होना चाहिए, या तो प्रोक्योरमेंट में हो, ऑपरेशंस में हो, मटेरियल मैनेजमेंट में हो या सप्लाई चेन मैनेजमेंट में और लॉजिस्टिक में से कोई एक डिग्री आपकी पीजी डिग्री होना चाहिए, और या तो फिर एमबीए या पीजी डीएम हो, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट। एक्सपीरियंस 5 साल का होना चाहिए, 3 वर्ष उसमें से आपका हेल्थ सेक्टर में होना चाहिए अनुभव। डिजायरेबल सर्टिफिकेट जो है ये इस प्रकार से रहेंगे, और 18 से 40 वर्ष इसमें आयु सीमा का निर्धारण है। 50,000 रुपये प्रति माह आपको दिया जाएगा इसमें। अगर आपका 5 साल का अनुभव है तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं मैनेजर लॉजिस्टिक के अंदर। देन उसके बाद में छठे नंबर, 5वें नंबर का जो पद है वो डेप्यूटी मैनेजर फार्मास्यूटिकल। इसमें बी फॉर्म, एम फॉर्म या बीएससी फार्माकोलॉजी यहाँ पे चाहिए रहेंगी। और नंबर ऑफ सीट 1 है। ये एक एसटी का पद है। 18 से 45 वर्ष आयु सीमा मांगी गई है। 52,782 रुपये यहाँ पर आपको दिए जाएंगे प्रतिमाह मानदेय।
इसी प्रकार से मिनिमम 3 वर्ष का अनुभव चाहिएगा पोस्ट क्वालिफिकेशन और ड्रग और फार्मास्यूटिकल मतलब स्टोर से संबंधित ये पद हैं मैनेजर डेप्यूटी मैनेजर का, और फार्मास्यूटिकल से संबंधित है गुड कमांड ऑन एमएस ऑफिस, एमएस ऑफिस में आपका अच्छा कमांड होना चाहिए। सीनियर फार्मासिस्ट के लिए भी एक पद निकला है, बी फॉर्म के साथ में 4 वर्ष का अनुभव, डिप्लोमा के साथ में 6 वर्ष का अनुभव चाहिए, एम फॉर्म के साथ में 2 वर्ष का अनुभव, और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट यानी कि पीजीडीएम इन फार्मास्यूटिकल्स में हो तो आपको 2 वर्ष का अनुभव चाहिए रहेगा। कहीं पे भी हो, ये पब्लिक सेक्टर में होना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर में या कहीं पे भी हो, पब्लिक सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर में भी अनुभव यहाँ पे मान्य रहेगा। पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर दोनों में आप अनुभव रहेगा तो आपको यहाँ पे मान्यता दी जाएगी। ये एक पद अनरिजर्व का है, और इसी प्रकार 18 से 40 वर्ष इसमें आयु सीमा मांगी गई है, 42,700 रुपये यहाँ पे आपको दे रहेंगे मानदेय के रूप में। तो यहाँ पे आप देखिएगा 5 ईयर्स एज रिलैक्सेशन दिया गया है, एससी एसटी ओबीसी और गवर्नमेंट निगम के कोई कर्मचारी हो तो उनको 5 वर्ष का छूट दिया गया है सभी पदों के अंदर, यानी कि अब आप जो हैं अगर 40 के हैं तो 45 वर्ष तक इसमें आप आवेदन कर सकते हैं। इसमें आवेदन जो है वो निःशुल्क रहता है, जनरली जो है मैंने देखा है कि sams.co.in ये एक वेबसाइट है, यहाँ पर आप जाएंगे तो आपको एमपी जो है पब्लिक हेल्थ सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड यहाँ पे आप जाएंगे, उसके बाद में पब्लिक हेल्थ सर्विस कॉरपोरेशन लिमिटेड यहाँ पर इस ऑप्शन में जाने के बाद में आप यहाँ पे पूरा आपका एक बायोडाटा टाइप बनेगा और इसमें आप आवेदन कर सकते हैं। जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं वो इसमें फार्मेसी संबंधित कैंडिडेट हैं वो इसमें आवेदन करें और अधिक से अधिक संख्या में आवेदन करें, यही नोटिफिकेशन ऑफ एमपी आपके सामने लेके आया है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपने नहीं किया है तो। जय हिंद दोस्तों।